विद्यार्थी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम कविता पढ़ेंगे और कविता किसके बारे में पढ़ेंगे? कछुआ। कछुआ, आपने इस कछुए को देखा होगा। आप जब जू में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अक्सर पानी में कछुआ दिखता होगा। सभी ने देखा है ना कछुआ। और कुछ लोग तो कछुए को घर में पालते भी हैं, घर में रखते भी हैं। तो बच्चों, आज हम कछुए की कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, सभी आज अपनी हिंदी की बाल गीत कविता पुस्तक निकालेंगे। पेज नंबर 4, कछुआ। ये बच्चों, ये देखो, ये है कछुआ। आज हम कछुए की एक कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। कछुआ। कछुआ जल का राजा है, इतना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़ी खाएगा, ऊंचा सुर में गाएगा। बच्चों, इसको मैं एक बार और सुनाऊं, सब अच्छे से सुनेंगे। कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। बच्चों, अब इसी कविता को मैं गा के सुनाऊंगी, ठीक है? अब आप लोग सुनेंगे अच्छे। कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़े खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। एक बार और। कछुआ जल का राजा है, इतना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। बच्चों, इसी कविता को मैं अब आपको एक्शन के साथ करके बताऊंगी, ठीक है? कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। बच्चों, इसी कविता को एक बार फिर से करेंगे विद एक्शन के साथ। कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा ताजा है। हाथ लगाओ कूदेगा, बाहर निकालो उबेगा, चाट पपड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज इस कविता का आप सभी ने बहुत आनंद लिया होगा। इसी कविता को आप अपने घर में बार बार अभ्यास करना। धन्यवाद।